हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आप सभी जानते हैं कि समुद्र के तल में छुपे हुए रत्न समूह में हीरे, माणिक, मोती और अनेकों रत्न हैं। पीड़ाओं और रोगों से छुटकारा दिलाने वाली जड़ी बूटियां भी हैं, और सबसे आगे मृत्यु पर विजय दिलाने वाला अमृत जैसा महाशक्तियों का भंडार भी है। हे देवेंद्र, जगत कल्याण हेतु जिसमें देवताओं का कल्याण भी सम्मिलित है, हमें असुरों से संधि करनी ही चाहिए। हे देवेंद्र, दानवों से संधि करनी ही होगी। आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आप और मैं मिलकर इसी समय दानवराज बलि के पास चलते हैं। संधि कर ले, असुर देवताओं से संधि कर ले। अपने दुर्बल शत्रुओं को, जो असुरों के विरुद्ध युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए हैं, उन्हें अपनी बराबरी का दर्जा दे। नहीं गुरु बृहस्पति, यदि मैंने ये मूर्खता दिखाई तो असुर प्रजा मुझे अपना महाराज मानने से इनकार कर देगी। नहीं देव गुरु, देवताओं से संधि असंभव है। परंतु महाराज बलि, असुर प्रजा के हित में आपको देवताओं से हाथ मिलाना चाहिए। हाथ मिलाना चाहिए मुझे असुर राज बलि को? दुर्बल देवताओं से हाथ मिलाना चाहिए जिन्हें मैंने जीवन दान दिया है? उनसे हाथ मिलाना चाहिए? नहीं देव गुरु, मैं अपना हाथ इनसे नहीं मिला सकता। हाँ, ये चाहे तो मेरे पैर पकड़ ले, फिर मैं सोचूंगा। महाराज बलि, आप हमारा अपमान कर रहे हैं।